Punjabi Hari Radha Madhava Punjabi Hari Jai Radha Madhava Punjabi Hari Radha Madhava Punjabi Hari Gopi Jana Yeah.
श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री बरसाना धाम की जय। नंदगांव धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। नड़ीलाल की बरसाना धाम आपने पहले भी सुना है कि इसमें राक्षस प्रवेश नहीं करते, क्योंकि यहां पर ऐसी अद्भुत लीलाएं चलती रहती हैं कि उसमें राक्षस आने का व्यवधान नहीं हो सकता। कंस को इसलिए कन्या बनाकर चेतावनी देकर भेज दिया था। तो ऐसे वो कौन सी लीलाएं हैं जो यहाँ पर होती है जो इतना जरूरी है राक्षस ना आए? तो बहुत सारी लीलाएं वैसे उसमें से एक कथा आपको सुनाने का प्रयास है, क्योंकि आज एकादशी का दिन है। अब एकादशी के दिन में कृष्ण के प्रेम माधुर्य भरी कथाओं को सुनना चाहिए। ये सब वर्णन जो है वो गर्ग संहिता से है, वृंदावन खंड अध्याय 14, 15 और 16 तो इसमें शुरुआत में एक ये जो गर्ग संहिता है ना, हमारे सारे शास्त्र जो है वो एक संवाद है। कोई भी शास्त्र आप ले लो, भगवद गीता से लेकर शुरू करो, पुराण उपनिषद जितने भी शास्त्र हैं, वो दो व्यक्ति बोल रहे हैं, एक व्यक्ति पूछ रहा है दूसरा व्यक्ति उत्तर दे रहा है, और उसी प्रश्नोत्तर का जो है ना वो लंबा चौड़ा शास्त्र है। इसलिए उसको श्रुति कहा गया था पहले, क्योंकि वो ध्वनि के रूप में, और ध्वनि के रूप में हमें तो उसको श्रवण करना चाहिए था, इसलिए उसको श्रुति कहते हैं। तो श्रवण करना होता है उसको श्रुति कहते हैं, और ये श्रुति जो है वो पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध प्रकट हुआ, ग्रंथ के रूप में, क्योंकि हमारे वेदव्यास जी ने देखा कि आगे जाकर कलयुग में किसी को याद नहीं रहने वाला, इसके पहले सब लोगों को केवल सुनने पर याद रहता था। उनको कहते थे श्रुति धार, तो श्रुति को धारण करते थे, केवल श्रुति कान में आई तो उसको धारण कर लेते थे और कभी उसका विस्मृति होता नहीं था। लेकिन ऐसा कलयुग में नहीं है, इसलिए वो जो श्रुति थी वो ग्रंथ के रूप में प्रकट हुई, इसको हम शास्त्र कहते हैं। शास्त्र वो भी है लेकिन वो ध्वनि के रूप में था, ये भी अक्षर और पुस्तक के रूप में है। तो ये गर्ग संहिता जो है ये अधिकांश जो है वो नारद मुनि और राजा बहुलाश्व का संवाद है। आप में से कितने लोग राजा बहुलाश्व को जानते हैं? एनीबॉडी? राजा बहुलाश्व मिथिला के राजा थे। आपने अगर कृष्णा बुक पूरा पढ़ा है तो आपको बिल्कुल इसको पता होना चाहिए। शुतदेव और बहुलाश्व सुना है ना आपने? वो कृष्ण के समय थे, और शुतदेव ब्राह्मण था बेचारा गरीब, और बहुलाश्व राजा थे मिथिला के उसी देश में। तो दोनों के घर में निमंत्रण भगवान को होता है, और दोनों का भाव जो है वो बहुत शुद्ध है। ऐसा नहीं कि राजा अमीर है इसलिए ज्यादा घमंडी है और ब्राह्मण गरीब है इसलिए बेचारा नम्र है, ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान सबके हृदय के भाव को पहचानते हैं। तो राजा का भी निमंत्रण प्रेम भरा है और सुतदेव ब्राह्मण का भी निमंत्रण प्रेम भरा है। एक ऐसा ही प्रसंग महाभारत में है, दुर्योधन का भी निमंत्रण था भगवान को, छप्पन भोग का निमंत्रण,
लेकिन भगवान नहीं गए उसके घर, क्योंकि वो निमंत्रण कपट से भरा हुआ था। वो बिना निमंत्रण के विदुर के घर पे चले गए। तो यहाँ पर वो दोनों का निमंत्रण शुद्ध भाव से होने की वजह से दो रूप धारण करते हैं, और एक रूप में शुद्ध देव के घर पे, एक रूप में बहुलाश के घर। और बहुलाशु के घर पे बहुलाशु जी उनको बड़े ही सम्मान से ऐश्वर्य संपन्न ऐश्वर्य पूर्ण सत्कार करते हैं। लेकिन अंतिम स्थिति में ऐश्वर्य पूर्ण सत्कार करने के पश्चात 56 भोग सोने की थाली में कटोरी में ग्लास में खिलाने के पश्चात भगवान का चरण कमल गोद में लेते हैं और उनको मसाज करते हैं। और शुक्रदेव ब्राह्मण जो है ना वो हमारा क्या कहते हैं गोणपाट मतलब गनी सैक, जो क्या कहते हैं हम आपको यहाँ पर टाट 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 का आसन होता है ना, तो जूट से बनता है। वो टाट का आसन पे बिठाया भगवान को, जमीन पर गोबर से लिपी हुई जमीन पे बिठाया, और पत्तल पे ऐसे बहुत सादगी भरा खाना खिलाया। और कहते दोनों ने, ये सुंदर कथा है ना, आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि भक्ति क्या होती है। दोनों ने भगवान का नृत्य किया। अभी अगर इमेजिन राजा नृत्य कर रहे हैं तो बोले क्या हो गया राजा को, फर्क नाच क्यों कर रहे हैं। ये भगवान के आनंद के लिए राजा ने भी नृत्य किया और शुद्धदेव ने भी घर पे नृत्य किया। और नृत्य करने के बाद में भगवान के पास पैर के पास आके बैठे और दोनों ने अलग अलग जगह पर एक ही समय पर भगवान के चरण कमल को गोद में लिए और दोनों ने भगवान के पैर को मसाज किया, आंखों में आंसू लेकर भगवान के चेहरे को निहारते हुए। तो ये है वो बहुलाश्रम प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो उसकी कथा भागवत में कैसे आई, उसका चरित्र भागवत में क्यों आया। तो ये बहुलाश्रम जी जो है अभी प्रश्नोत्तर कर रहे हैं नारद मुनि से, और नारद प्रभु कृष्ण के बारे में प्रश्न करते हैं, इसलिए गद्य संहिता एक कृष्ण संहिता है। विस्तार रूप में अगर आपको कृष्ण के विषय में चरित्र पढ़ना है तो उसके लिए गद्य संहिता का निर्माण किया गया। भागवत भी कृष्ण संहिता है, लेकिन भागवत में कैसे परीक्षित महाराज को समय बहुत कम था, उसके समय में विस्तार में बैठेंगे तो कृष्ण चरित्र पहुंचेंगे कैसे। इसलिए बाकी सब कुछ उन्होंने समय को देखते हुए महत्वपूर्ण बातों को महत्वपूर्ण राक्षसों का इस तरह से वर्णन किया। और 79 अध्याय कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया उन्होंने, क्योंकि वो भागवत का हृदय है। भागवत की मेन जो संकल्पना है या प्रयोजन है वो कृष्ण की लीला को प्रकाशित करने के लिए, लेकिन कृष्ण की लीला प्रकाशित करने के लिए भक्तों का चरित्र सुनना आवश्यक है, रामचरित्र सुनना आवश्यक है। इसलिए उनको बताकर उन्होंने दशम संत का आरंभ किया। हमारे यज्ञ में वैसा होता है, मेन विधि तीन होते हैं, लेकिन मेन विधि तक पहुंचने के लिए बहुत सारे विधि करने पड़ते हैं, टू प्रिपेयर टू रीच दैट रिचुअल। बहुत सारी अग्नि स्थापना, अग्नि पूजा, फिर बहुत सारी मुद्राएं करनी पड़ती है, बहुत सारे मंत्र बोलने पड़ते हैं, और उसके बाद बहुत समय के बाद में फिर वो शुरू होता है। यू जस्ट कांट लाइट द फायर एंड स्टार्ट द होम विच वी आर इंटेंडेड टू। उसी प्रकार से कृष्ण चरित्र तक पहुंचने के लिए श्रोताओं की भी तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 9 स्कंद में आपको कृष्ण का चरित्र नहीं मिलेगा, है उल्लेख है बहुत सारा जगह पे, लेकिन प्रत्यक्ष कृष्ण का चरित्र जो शुरू होता है वो 9 स्कंद के बाद दशम स्कंद में शुरू होता है। लेकिन वो बहुत बड़ा एक स्कंद है, 79 अध्याय उसके अंदर। तो भगवान की ब्रज लीला, मथुरा लीला, हस्तिनापुर लीला, द्वारका लीला, फिर वृंदावन लीला, ऐसे सुंदर सुंदर लीलाओं को आपको वर्णन है। इसलिए ये जो बहुलाश्व है ये प्रत्यक्ष कृष्ण के बारे में प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो अपने भक्ति द्वारा पहले से ही उस स्थिति पर थे। इसलिए वो यहाँ पर एक सुंदर वाक्य बोल रहे हैं, आप उस पर जरूर गौर करना उस बात पर। वो कहते हैं कि जैसे वो परीक्षित महाराज ने भी ऐसे सुंदर वाक्य बार बार कहे हैं भगवत में, लेकिन परीक्षित महाराज में इनमें अंतर ये है कि परीक्षित महाराज कभी भी सोए नहीं बीच। इनका ऐसा नहीं था कि जागकर रात को चर्चा कर रहे थे, सात ही दिन का समय था, ऐसा नहीं था। ये बीच में भोजन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परीक्षित महाराज तो बिना भोजन किए, बिना कुछ पेय पिए, बिना सोए, बिना कोई प्राकृतिक गतिविधि करते हुए एक जगह बैठे रहे अपने आप को एकाग्रता से, और ऊपर से सातवें दिन भी प्रश्न कर रहे हैं श्री कृष्ण के बारे में और प्रश्न पूछ रहे हैं, और बार बार सुखदेव जी उनको अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन अभिनंदन, आपका गौरव हो कि आप इतने समय के बाद भी बिना सोए बिना खाए बिना पिए भी आप ऐसा उत्साहपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं। आप जैसे श्रोता हो तो वक्ता धन्य हो जाता है।
This is the most important. The speaker is glorified when he has greatly eager audience. It is great honor for the speaker. बार बार सुखदेव जी कहते हैं आपका धन्यवाद है कि आपने मेरा वक्तृत्व को धन्य कर दिया. You made my speaking perfect by your attitude and consciousness. तो बार बार जैसे वो कहते हैं कृष्ण के बारे में उत्सुकता से प्रश्न करते हैं, वैसे यहाँ पर बहुलाश्व जी प्रश्न कर रहे हैं. हाँ, नहीं प्रश्न कह रहे हैं. देखिए सुनिए, जैसे शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल का रसपान करके कभी भ्रमरों की तृप्ति नहीं होती है. The bumblebees, they never get satisfied by drinking the nectar from the fully blossomed flower of autumn season. जैसे देवता लोग कभी अमृत पीकर तृप्त नहीं होते, वो तृप्त हो